हाय एवरीवन, आप में से कुछ लोग चाहते थे कि मैं अपना पीरियड रूटीन शेयर करूं। हालांकि मैंने ऑलरेडी 2-3 बार आप लोगों के साथ ये रूटीन शेयर किया हुआ है, पर एक बार फिर मैं ये रूटीन ले आई हूं। वैसे तो रूटीन सेम ही है, बस कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करके बहुत अच्छा फील करेंगे। ये रूटीन मैं मेरे पीरियड्स के टाइम पर ही शूट करती हूं, और कल इवनिंग में ही मुझे पीरियड्स हो गए थे, तो आज मेरा सेकेंड डे है। और ऐसे टाइम पे मैं इसलिए शूट करती हूँ ताकि आप लोगों के साथ मैं मेरा असली रूटीन शेयर कर पाऊँ। लास्ट कुछ मंथ से मेरी डेट स्टार्टिंग में ही हो गई है, तो मंथ एंड में मैं शेविंग या वैक्सिंग जो भी सही लगता है वो कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं वैक्सिंग ही करती हूँ, पर कुछ टाइम होता है ना जब टाइम नहीं मिलता है और पीरियड्स भी आने वाले होते हैं, तब मैं शेविंग कर लेती हूँ। अब जैसे कि ये तो आपको पता ही है कि मैं रोज़ मॉर्निंग में पहले एम्प्टी स्टमक घी पीती हूँ, और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ क्योंकि सुबह खाली पेट पहले एक चम्मच घी पी लो और फिर उसके बाद गुनगुना पानी पियो। स्पेशली जिनको वजाइना में इरिटेशन, इचिंग, ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है वो तो ये जरूर करें, और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी एम्प्टी स्टमक घी पीना बहुत ही अच्छा है। तो आप ये ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता या 10 दिन ट्राई करके देखो, आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा। ये पीने के बाद मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, आमंड, कैश्यू और पिस्ता वगैरह। आमंड्स ओवरनाइट सोक्ड होते हैं, बाकी काजू और पिस्ता तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। इसके बाद घर की साफ सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह, पर आजकल थोड़ा काम ज़्यादा होता है तो ये मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ये कर लेती हूँ। इससे थोड़ी बॉडी मूवमेंट भी हो जाती है और एनर्जेटिक भी लगता है। अगर आपको बहुत पेन रहता है तो आप रेस्ट कर सकते हैं, पर अगर थोड़ा बहुत पेन है तो मूवमेंट करें, एक्सरसाइज नहीं तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने बॉडी को मूव कर पाएंगे, तो बॉडी मूवमेंट तो ज़रूर रखें। साफ़ सफाई की हैबिट तो मुझे तब से थी जब से मुझे पीरियड्स भी नहीं स्टार्ट हुए थे, तो ये मेरे अंदर जाने अनजाने आ चुकी है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने वाले हैं, तो मेरे अंदर भी ये क्वालिटी उनके ही थ्रू आई है। सब करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था जिसकी वजह से मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई। अब मैं स्मूदी बनाऊंगी और वही पीऊंगी। स्मूदी के लिए मैं बनाना और स्ट्रॉबेरी नीचे से ले आई थी, बाकी दही और गुड़ तो रखा हुआ था, और ये जल्दी से बन भी जाएगा, यही पीऊंगी। फिर नहा के मुझे एक वीडियो भी शूट करना है तो वो शूट करूंगी। बनाना में विटामिन B6 होता है, और विटामिन B6 रेड ब्लड सेल्स को प्रमोट करता है जो कि पीरियड्स के टाइम बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। स्ट्रॉबेरी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं और ये इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। ब्लीडिंग के टाइम ये हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। स्ट्रॉबेरी एक सुपर स्वीट फ्रूट है जो कि न्यूट्रिशन के मामले में पावरफुल क्वालिटी रखता है। गुड़ तो वैसे भी खाना चाहिए, पर अगर आपको मूड स्विंग्स और क्रैम्प्स होते हैं तो ये रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। बहुत लोगों को पीरियड्स के 2-3 दिन बहुत ज़्यादा पेन वगैरह रहता है तो वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे कब पीरियड्स आते हैं और कब जाते हैं मुझे खुद को नहीं पता चलता है। मजाक है, मतलब पता तो चलता ही है क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल पहले से ही हेल्दी है। मैं हमेशा से एक्सरसाइज वगैरह भी करती आई हूँ, तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, अगर आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, तो आप अपने पीरियड डे को भी नॉर्मल डे जैसा फील कर पाएंगे। अब मैं नहाने जाऊंगी। आज मुझे हेयर वॉश करना था, पर आज पीरियड्स की वजह से मैं हेयर वॉश नहीं करने वाली हूँ। अब 1-2 दिन बाद ही मैं हेयर वॉश करूंगी। थोड़े ऑयली हो गए हैं मेरे हेयर क्योंकि मुझे 6-7 दिन हो गया है और मैंने हेयर वॉश नहीं किया है अभी तक। बाकी नहाने के टाइम भी मैं अपने अंडरगारमेंट्स डिटॉल वगैरह में डाल करके वॉश कर लेती हूँ, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और मैं कॉटन अंडरवेयर ही ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ। नहाने के बाद अब मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ क्योंकि आज मुझे शूट वगैरह करना है इसलिए, वरना मैं टी शर्ट और लोअर ही पहनती। व्हाइट पहन तो लिया है, अब बस मुझे संभाल के बैठना पड़ेगा वरना ये मेरी सुंदर ड्रेस खराब भी हो सकती है। अब मैं ये हाइफन का बैरियर केयर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। इसके 2 वेरिएंट्स है, एक नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए और एक ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए। मैं ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाला अप्लाई कर रही हूँ। ये डैमेज स्किन बैरियर के सभी इश्यूज से टैकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये स्किन बैरियर को रीस्टोर एंड स्ट्रेंथन करता है और ड्राई स्किन को हील करता है। इसमें 6 इनक्रेडिबली पोटेंट इन्ग्रीडियंट्स लाइक सेरामाइड्स, पेप्टाइड, सीका एक्सट्रैक्ट, चिया सीड ऑयल, तमानू ऑयल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। इसका जेल क्रीमी टेक्सचर है और लाइट वेट कंसिस्टेंसी है। स्किन के मॉइस्चर बैरियर को रिपेयर एंड स्ट्रेंथन करता है। डीपली मॉइस्चराइज करने के साथ स्किन को हाइड्रेट एंड नरिश भी करता है। इतना ही नहीं, ये रेडनेस एंड इरिटेशन को काम करके स्किन को रिपेयर एंड सूथ करता है। इसकी वजह से स्किन काफी ज्यादा हेल्दी रहती है, और लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कॉमेंट में मैंशन कर दिया, तो आप चेक कर सकते हैं। We'll be right back.
वीडियो शूट करने में मुझे काफी टाइम लग गया और अभी मुझे भूख लगी है, तो मैं ये फ्रूट्स खाऊंगी और मुझे थोड़ा काम भी है, तो ये खाते खाते वो काम भी कर लूंगी। एक्सेसिव पेन एंड इररेगुलर पीरियड्स जैसी आधी प्रॉब्लम तो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से होती है। अगर आपको बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है तो एटलीस्ट जब भी आपको पीरियड्स आने वाले हों तो स्पाइसी फूड्स और सॉल्टी फूड्स अवॉइड करें, क्योंकि इनसे क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं। इनके अलावा बनाना जैसे फ्रूट्स को ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें। स्वीट फ्रूट्स बिना ज़्यादा रिफाइंड शुगर खाए शुगर क्रेविंग्स को कम करने में भी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तो बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए, मीठा खाना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको जो फ्रूट्स वगैरह से शुगर मिलता है वो अच्छा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल। अगर वो सही नहीं होगा तो एज से पहले पीरियड्स होंगे और पीरियड्स में इरेगुलरिटी आएगी। फिजिकल एक्टिविटीज लाइक वर्कआउट, आउटडोर गेम्स, योगा लोग कम्प्लीटली इग्नोर करते जा रहे हैं। जब बॉडी में मूवमेंट ही नहीं होगी तो हमारा साइकिल रेगुलर कैसे होगा? और ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज की ही बात नहीं है, ये हमारे डाइट, हमारे ईटिंग हैबिट्स के बारे में भी है। फास्ट फूड पर रिलायबिलिटी एक बड़ा रीजन है इरेगुलर एंड डिस्टर्ब पीरियड का। पीरियड्स में मुझे कार्मसी और नुआ के पैड्स यूज़ करना पसंद है, तो मैं इन्हीं को ही यूज़ करती हूँ। बाकी पैड से मुझे इरिटेशन और इचिंग वगैरह होती है तो वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पैड से मुझे याद आया, पहले जब मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए थे ना तो मैं पैड्स नहीं यूज़ करती थी। हालांकि मुझे पैड्स के बारे में पता था क्योंकि हमारे स्कूल में इसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, पर उस टाइम पर मैं कपड़ा यूज़ करती थी, तो जो भी पुराने कपड़े होते थे फट गए होते थे या फेंकने के लिए रखे होते थे तो उनमें से जो सॉफ्ट कपड़े होते थे ना, कॉटन वगैरह के जो भी होते थे, मैं वो यूज़ करती थी। तो ये किस्सा मुझे अभी भी याद है और काफ़ी टाइम बाद मैंने पैड यूज़ करना स्टार्ट किया था। अब तक मुझे लगता है मैंने सारे पैड यूज़ कर लिए और ये दोनों मुझे सच में अच्छे लगे, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप हीटिंग पैड वगैरह रखें, जो कि आप अपने स्टमक पे या आपको बैक पे पेन होता है तो वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मिल्क सूट होता है ना तो मिल्क में गुड़ और टर्मरिक मिक्स करके पिएं, और अगर मिल्क आपको सूट नहीं करता है तो आप जिंजर टी बना के पी सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें अदरक डालना है, अगर आपको लेमन डालना है तो आप लेमन डाल सकते हैं, नहीं तो आप लेमन की जगह गुड़ डाल करके भी उसे पी सकते हैं। तो इससे आपको पेन से क्रैम्प से रिलीफ मिलेगा। अब थोड़ा एक्सरसाइज करूंगी, नीचे जिम जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि वीडियो शूट करते टाइम खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लग गए हैं, इसलिए अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह ही करूंगी। गुड फ्लो एंड पेनलेस पीरियड के लिए रेगुलर योगा करना चाहिए। इसके लिए सूर्य नमस्कार के कुछ बेसिक पोस्चर्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। ये पोजेस ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए जाने जाते हैं और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और ये तभी इफेक्टिव है जब ये रेगुलर बेसिस पे किए जाएं, और इनसे पेन रिड्यूस करने में हेल्प करने के साथ क्रैम्प से भी नहीं डील करना पड़ता है। पेन किलर की जगह पर फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि स्ट्रेचिंग करें, ये बॉडी के लोअर पार्ट के अराउंड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हूँ, तो इस टाइम पे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ही कोशिश करती हूँ, और हाइड्रेटेड रहने के लिए वाटर रिच फ्रूट्स बहुत ही अच्छे हैं। अब डिनर टाइम हो गया है, लंच आज मैंने नहीं किया था। मोस्टली जब भी मेरा शूट होता है ना तो कोई ना कोई मील मेरा ज़रूर मिस होता है। वैसे तो रोटी और सब्जी तो बनी हुई है पर मैं दाल राइस और ये सैलेड खाऊंगी। रोज़ मैं इवनिंग में नींबू पानी पीती हूँ, पर आज नारियल पानी पी लिया था तो मेरा मन नहीं हुआ पीने का। वैसे अगर आप नींबू पानी डेली पीते हैं तो अच्छा है ही, पर पीरियड्स के टाइम विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ये खाने के साथ खा लूँगी। पीरियड्स के टाइम जितना हमारी बॉडी रेड ब्लड सेल्स बनाती है उससे कहीं ज़्यादा लूज करती है, इसलिए विटामिन सी का डेली डोज जो हम लेमन और ऑरेंजेस से ले सकते हैं वो बेटर आयन एब्जॉर्प्शन के लिए हाईली बेनिफिशियल हो सकते हैं, स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे। और लेमन में फाइबर होता है जो मसल क्रैम्प से भी टैकल करने में हेल्प करता है। तो बस यही वो रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप भी इनमें से कुछ चीज़ें तो ज़रूर फॉलो करें। जिनको ये रूटीन चाहिए था, आई होप उन लोगों को अच्छी लगी हो। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक और मकसद जो था वो ये कि आप में से बहुत लोग पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते थे, तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या सोल्यूशन ज़रूर मिला होगा। बाकी वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, और जिनको आप इस रूटीन के बारे में बताना चाहते हैं उन्हें शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।